आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। साथियों, मध्य प्रदेश के वासियों, किसान भाइयों, देश में आंदोलित है किसान। किसान आंदोलित इसलिए है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से कहा था प्रचार करते वक्त लोकसभा के, कि किसान की जितनी लागत आती है, कितनी बिजली, कितना बीज का दाम, कितना खाद का दाम, कितना डीजल का दाम, फिर उसमें मजदूरी जोड़ो और फिर उससे डबल करो और फिर उसकी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करो। मोदी सरकार आएगी तो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेगी। फिर 3-5 साल कुछ नहीं किया, किसानों ने आंदोलन किया 1.5 साल लगातार, दिल्ली में बैठ गए, सड़कें जाम कर दी। तब 19 तारीख को गुरु नानक देव जी की जयंती पर फिर मोदी जी आए और उन्होंने फिर देश के किसानों से 3 काले कानून वापस लेते हुए वादा किया कि हम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे, मोदी गारंटी। आज तक एक शब्द नहीं कहा, फिर आज दिल्ली में किसान घुस रहे हैं। हम उन किसान भाइयों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर समर्थन मूल्य की कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में देश के सामने, किसानों के सामने गारंटी लेगी। हम गारंटी लेंगे कि हम समर्थन मूल्य किसानों का बढ़ाएंगे, जो जो नीति और नियम के अनुसार उनकी लागत का मिनिमम वर्किंग करके उसकी एग्जैक्ट प्राइस पर कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। इसके साथ साथ जब 2023 के चुनाव चल रहे थे तो किसानों से की मांग थी 3,000 रुपया क्विंटल की गेहूं की, 2,700 रुपये बीजेपी की सरकार ने हां की थी, जो आज बनी बीजेपी के घोषणा पत्र में, आज तक एक शब्द नहीं कहा। इसको लेकर धान की कीमत 3100, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ और किसानों के साथ आंदोलन करें। अभी इस हफ्ते हम सारे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्षों के साथ किसानों के परिवारों को साथ लेकर हर ब्लॉक पे प्रदर्शन करेंगे। अगले हफ्ते जिला पे हम हर जिला स्तर पर किसानों के मिनिमम, आपने 2,700 रुपये की गेहूं की बात की थी, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर, धरना देकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, किसानों के हितों की आवाज उठाएंगे। उसके अगले हफ्ते किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां जहां पर तुलाई चल रही है उस तुलाई केंद्रों पर आंदोलन करेगी, तुलाई केंद्रों पर आंदोलन करेगी। जितने तुलाई केंद्र है पूरे मध्य प्रदेश में 2,700 रुपये का दाम इस सरकार को देना पड़ेगा, गेहूं का दाम 3100 रुपये का, धान का दाम इस सरकार को देना पड़ेगा। ये सर्वविदित सब किसानों के मन की भावना है कि कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़े।